नमस्कार दोस्तों। तो भाई देखिए, आज मैं आपको अपने जो गार्डन के पिटूनिया के फ्लावर है ना, सफ़ेद वाले, वो दिखाऊंगी। और देखिए कितने सारे खिले हुए हैं, और ये अपने आप ही उग जाते हैं प्लांट पे, किसी भी गमले में सीजन आने पे। अब देखिए इनका पूरा सीजन है, और 2 से 2.5 महीने खूब फूल खिलेंगे ये, और बड़े बड़े साइज के फूल खिलेंगे। अब देखिए, आप देख सकते हैं कैसे फूलों से भरे हुए हैं प्लांट, और कितने गमले ऐसे हैं जिनमें ये अपने आप ही उग जाते हैं। तो 2-3 महीने अब गार्डन में इस तरीके से नज़ारा रहेगा फूलों का, और थोड़े से दिन ये चले अच्छे और ये बड़े बड़े फूल खिलते रहें, तो उसके लिए मैं आपको एक फर्टिलाइज़र डालना बताऊंगी। बिल्कुल सिंपल है, घरेलू आप बना सकते हैं और वो डाल सकते हैं। देखिए इसी तरीके से आप भी अपने गार्डन में फूलों का आनंद ले सकते हैं। और 2 कलर है मेरे पास, ये है और पर्पल, दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पर्पल कलर के हैं, और अभी और खिलने ही लग रहे हैं, और एक ये तैयार होने लग रहे हैं। इस तरीके से देखिए, पर्पल और वाइट, ये अपने आप ही आते हैं सीजन पे, और कई साल से मेरे गार्डन में खूब बाहर रहती है इनकी। तो आज मैं आपको इनका थोड़ा सा तरीका बताऊंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे आप इनसे ले सकते हैं, और ज़्यादा दिनों तक। देखिए फ्री में भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप खर्च करें ज़्यादा प्लांट खरीद के ही आपको फूलों का आनंद लेना है, फ्री में भी ले सकते हैं। मैं अपने गार्डन में आपको हमेशा दिखाती हूँ कि ज़्यादातर मेरे प्लांट ऐसे ही होते हैं, या तो कटिंग से लगाए हुए हैं, या जैसे मैं बीज डालती हूँ तो उससे उग जाते हैं। ये देखिए, अब धीरे धीरे ये सभी प्लांट जितने भी आप देख रहे हैं फूलों से भर जाएंगे। तो देखिए इसी तरह के फूल खिलते रहें, तो उसके लिए मैं क्या डालूंगी इनमें, ये देखिए, ये एलोवेरा का फर्टिलाइज़र तैयार किया है मैंने। ये एलोवेरा के कुछ जो पत्ती होती हैं वो लेके, और मैंने 2-3 दिन पहले इस तरीके से पानी में डाल दी थी, और अब इसको इस तरीके से बहुत अच्छे से हम या तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, नहीं तो हाथ से भी हो जाती है ये। ये देखिए इस तरीके से करने के बाद, और 2-3 दिन आप इसको ऐसे ही पड़ा रहने दें बाल्टी में, और फिर आप इसको बारीक सा कर दें। कुछ मोटा मोटा भी अगर रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आजकल धूप होने लगी है तो खूब अच्छे से ये सूख जाता है। तो देखिए मैं इतना थोड़ा थोड़ा सा पानी सभी में ही डाल दूँगी, ऐसे जिस जिस में ये फूल खिले हैं ना, सब में डाल दूँगी। तो बड़े साइज के फूल खिलते रहेंगे, और काफ़ी दिन तक फूल खिलेंगे। तो जितने भी मेरे सारे प्लांट हैं ना, आप देख रहे हैं इस तरीके से फूलों से भरे हुए हैं, और फ्री में ही खिलते हैं ये। इसमें ज़्यादा कोई मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस थोड़ा सा ये देखना होता है कि भाई ज़्यादा दिनों तक ये फूल खिलते रहें इनके। इनमें थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल घर से ही जो हमारा वेस्ट होता है ना, वो ही डाल सकते हैं हम। किचन वेस्ट का जो फर्टिलाइज़र बनाते हैं ना, छिलके का, सब्जियों के छिलके होते हैं, वो भिगो दो 2-3 दिन और वो डाल दो। तो देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं गार्डन में किस तरीके से भरे हुए हैं ये। और ये देखिए कैंडुलवा का फ्लावर है ये, और काफ़ी दिन से ये फूल खिलने शुरू हो गए हैं, और अब जैसे जैसे ये गर्मी आएगी खूब भर जाएंगी। जितनी भी ये कलियाँ आप देख रहे हैं ना, इसमें सब खिली होंगी। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा यही करती हूँ कि थोड़ा इनमें भी जो भी फर्टिलाइज़र होता है ना घरेलू, वो डालते रहते हैं। अब एक बार जब इनमें फूल खिल गए, और बड़े बड़े साइज की जितनी भी कलियाँ हैं इनमें, सब में बड़े फूल खिलें, तो थोड़ा सा मेहनत करके हम ज़्यादा से ज़्यादा फूलों का आनंद ले सकते हैं। और देखिए जो मेरे प्लांट हैं, कटिंग कर रखी है मैंने, खूब अच्छे से इनमें ग्रोथ शुरू हो गई है, और मैं दिखाती रहती हूँ अपने प्लांट, अपनी वीडियो में सारे ही दिखा देती हूँ किस तरीके से मैं अपने प्लांट की केयर करती हूँ। तो चलते चलते एक बार आप मेरे प्लांट का नज़ारा देख सकते हैं। और ये मेरा लेमन का जो प्लांट है ना, इस पर भी देखिए नई ग्रोथ शुरू हो गई है, और इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो पर्पल कलर का देखिए फ्लावर कितना सुंदर खिला हुआ है, ये देखिए। तो किसी में भी उग जाते हैं ये इस तरीके से। फिर मैं रोक लेती हूँ कि फूल हैं, थोड़े दिन खिलेंगे फिर अपने आप ही सूख जाएंगे, और इनका बीज फिर उठा के रख लो और फिर अगले साल काम आ जाएगा। तो देखिए नींबू पे भी ना बीज बनने लगा है। तो सभी प्लांट पे मैं अब थोड़ा थोड़ा सा यही कर रही हूँ कि किचन वेस्ट डालना अब शुरू किया है। जैसे धूप होने लगी है ना, तो इन सभी प्लांट में हम धूप में भी फर्टिलाइज़र अगर डालेंगे तो
बहुत ज़्यादा असर होता है क्योंकि सूख जाती है मिट्टी। और अब थोड़ा सा जो पहले मौसम चल रहा था ना जनवरी का, उसमें फर्टिलाइज़र डाल के अगर हम छोड़ते थे तो कई कई दिन लग जाते थे, मिट्टी सूखती नहीं थी गमले की, तो असर भी कम ही होता था। तो अब जैसे मौसम चेंज होगा हर चीज़ का आपको देखना कितना फ़र्क पड़ेगा। और गर्मी आते ही हर जो प्लांट है ना उस पर 15 दिन के अंदर अंदर गार्डन में कितनी अच्छी रौनक हो जाएगी। अभी देखिए आप, मैंने कटिंग करी है ना, ये बिल्कुल आपको खाली नज़र आ रहे हैं। तो जितने भी एक्स्ट्रा हैं इनको निकाल दें, तोड़ दें। और इस तरीके के प्लांट अगर हम थोड़ा सा शेप में रखते हैं ना तो ज़्यादा सही रहता है। तो मैं ज़्यादातर ये निकाल देती हूँ एक्स्ट्रा जितने भी हैं, और फिर ग्रोथ आप देख सकते हैं किस तरीके से प्लांट की हो रही है। तो आज की यही वीडियो थी, कैसी लगी आप बताना। मैं जो करती हूँ वही बताती हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीका है। मैं कोई भी ऐसा आपको वीडियो में नहीं बताऊँगी कि भाई अलग से बढ़ा चढ़ा के कोई बता दूँ कि ये डालो वो डालो। जो डालती हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता देती हूँ।